तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं फ्रैंकलिन को जेल से छुड़ाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को लास्ट टाइम पता ही होगा कि फ्रैंकलिन को एक एक्सीडेंट केस में पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था और उन लोगों ने साफ साफ बोल दिया था कि फ्रैंकलिन का जमानत 2 दिन बाद ही हो पाएगा, इसीलिए हम सभी दोस्तों को वहां से वापस आना पड़ा था। तो अभी मैं अपना ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा फ्रैंकलिन का जमानत कराने के लिए। तो अभी मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, तो चलो मैं फटाफट फ्रैंकलिन का जमानत कराने के लिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, क्योंकि फ्रैंकलिन मुझसे मिलने के लिए मेरे सिटी में आया हुआ था, इसीलिए मुझे उसे जल्द से जल्द छुड़ाना पड़ेगा। तो चलो अभी मैं अपना हंटर 350 बाइक को लेकर फटाक से फ्रैंकलिन को छुड़ाने के लिए चलता हूँ, क्योंकि अभी वो मुझे ही याद कर रहा होगा। पर सबसे पहले चलो मैं टोमी को बता देता हूँ कि आज मैं उसके फ्रैंकलिन भैया को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। अरे टोमी, मैं आज तुम्हारे फ्रैंकलिन भैया को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम घर का ख्याल रखना, क्योंकि मुझे आने में काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं घर का ख्याल रखूंगा, बस आप फ्रैंकलिन भैया को छुड़ा कर ले आना। अरे हाँ हाँ टोमी, तुम चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारे फ्रैंकलिन भैया को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हारे फ्रैंकलिन भैया को आज लेकर ही वापस घर आऊंगा। तो गाइस अभी मैंने टोमी से बोल दिया है कि आज मैं उसके फ्रैंकलिन भैया को जेल से छुड़ा कर लेकर आऊंगा, तो अभी मैं पुलिस स्टेशन के पास आ गया हूँ। तो चलो अब मैं पुलिस वालों से बात करके फ्रैंकलिन का जमानत करा लेता हूँ, उसके बाद मैं फ्रैंकलिन को लेकर अपने घर चला जाऊंगा। तो चलो सबसे पहले मैं पुलिस वालों से बात कर लेता हूँ। अरे सर, मैं फ्रैंकलिन का दोस्त हूँ और आज मैं उसका जमानत कराने के लिए आया हूँ। अरे तुम्हारे दोस्त को सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर डगन बोस ने किडनैप कर लिया है और हमारे सभी पुलिस वालों को भी मार दिया है। या फ्रैंकलिन को डगन बोस ने किडनैप कर लिया है, तो अभी मुझे फ्रैंकलिन को बचाना होगा, क्योंकि फ्रैंकलिन उस डगन बोस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अभी मुझे फ्रैंकलिन को बचाने के लिए सबसे पहले माफिया गैंग से मिलना पड़ेगा, क्योंकि माफिया गैंग का लीडर मेरा एक अच्छा दोस्त है, जिससे वह मेरी मदद जरूर करेगा और साथ में डगन बोस का लोकेशन भी बता देगा कि वह फ्रैंकलिन को लेकर कहां गया हुआ है। ऑलराइट, अभी मैं माफिया गैंग के अड्डे पर आ चुका हूं, तो चलो मैं माफिया गैंग के लीडर से मिलकर पता लगा लेता हूं कि डगन बोस फ्रैंकलिन को लेकर कहां गया है, और साथ में मैं माफिया गैंग के लीडर माफिया से कुछ गन भी ले लूंगा उस डगन बोस को मारने के लिए। अरे भाई ब्रांडेड, आज तू इस माफिया के पास क्यों आया है, बता क्या काम है? अरे भाई माफिया, तुझे तो पता ही है कि फ्रैंकलिन को उस डगन बोस ने किडनैप कर लिया है, तो बस तू उस डगन बोस का लोकेशन बता दे। देख भाई ब्रांडेड, तू मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं तुझे बता देता हूँ कि डगन बोस जंगल वाले ओल्ड हाउस में छिपा हुआ है। अच्छा, तो वो डगन बोस उस ओल्ड वाले हाउस में छिपा हुआ है, बट आज मुझसे उसे कोई भी बचा नहीं सकता, आज मैं उसे खत्म करके ही छोड़ूंगा, इसीलिए मैं अपने बाइक पर बैठकर उस जंगल वाले ओल्ड हाउस की तरफ जाने लगता हूँ। पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल का रीच काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। ऑलराइट, अभी मैं माफिया के बताए गए लोकेशन की तरफ आ चुका हूँ, तो चलो अब जंगल के अंदर चलकर देखते हैं कि ओल्ड हाउस पर डगन बोस है या नहीं। और तुम लोग देख ही सकते हो कि डगन बोस अपने सिक्योरिटी के साथ छत के ऊपर है, तो चलो सबसे पहले इनके सिक्योरिटी को ऊपर पहुंचा देते हैं, इसीलिए मैं अपना AK-47 गन को निकाल लेता हूं और अब मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। तो सबसे पहले मैं इसे टपका देता हूं, तो अब मैं इन लोगों को ऊपर पहुंचाऊंगा, बिकॉज अगर मैं इन लोगों को जिंदा छोड़ दिया तो ये लोग बाद में दिक्कत कर देंगे। एक बॉडीगार्ड तो डर के मारे भागने लगा, बट मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन सभी लोगों ने मिलकर फ्रैंकलिन को किडनैप किया है। बट एक सेकेंड, यहाँ तो पुलिस भी आ गई, लगता है पुलिस वाले भी डगन बोस के साथ मिले हुए है। अब मैं किसी भी पुलिस वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले तो इस पुलिस वाले का गेम बजाना पड़ेगा, क्योंकि ये पुलिस वाला काफी ज्यादा देर से उछल रहा है, लेकिन शायद अब उछलने लायक नहीं बचा है। पर चलो सबसे पहले घर के अंदर चलकर देखते हैं कि डगन बोस कहाँ छिपकर बैठा हुआ है। बट वेट, एक चाचा जी तो बचे ही थे, बट इनका भी गेम बजा ही दिया हूँ, तो चलो अब ऊपर चलकर देखते हैं कि डगन बोस कहाँ छिपकर बैठा हुआ है। लेकिन एक बॉक्सर भैया मेरे साथ बॉक्सिंग करने के लिए आ जाते हैं, तो चलो इन्हें बॉक्सिंग सिखा ही देते हैं कि कैसे बॉक्सिंग किया जाता है। लेकिन ये बॉक्सर भैया इस मैच के बाद किसी से बॉक्सिंग करने के लायक नहीं रहेंगे, तो चलो इन्हें तो बॉक्सिंग सिखा ही दिया, अब
इनके बॉस को भी बॉक्सिंग सिखा देते हैं। अब तू बता डगन बॉस की मेरा दोस्त फ्रैंकलिन कहाँ है, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं ब्रैंडेड, तू मुझे मत मार, मैं तुझे बताता हूँ कि फ्रैंकलिन कहाँ पर है। मैंने पुलिस वालों के साथ मिलकर फ्रैंकलिन को इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री के जेल में कैद करवा दिया है। क्या तूने फ्रैंकलिन को इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री के जेल में कैद करवा दिया है? तो अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले मैं इन पुलिस वालों को ऊपर पहुंचा देता हूँ। ये दोनों तो ऊपर गए, अब तू जिंदा रह के क्या करेगा, तू भी ऊपर चला जा। तो अभी मैंने डगन बॉस एंड इसके सभी बॉडीगार्ड को मार दिया है, तो मुझे कुछ समय के लिए इस सिटी को छोड़कर दूसरे सिटी जाना होगा, वरना मेरे पीछे बहुत ज्यादा पुलिस पड़ जाएगी। इसलिए मैं फटैक से अपने बाइक पर बैठकर इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर के लिए चलो निकल जाता हूँ। तो अभी मैं अपने बाइक पर बैठ गया हूँ, तो चलो इसे लेकर दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। और तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मुझे फ्रैंकलिन को बचाने के लिए इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री के सिटी में जाना चाहिए या नहीं। और साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही एक खतरनाक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।